बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ख़बरें हैं आपको बताते चलें। दुबई हुकूमत ने कहा है कि अब अल हुसैन ऐप जो है वो अब वो 14 दिन के लिए फाल रहेगी। अब उन्होंने ये तरतीब चेंज कर दी है। आज के बाद जो है यूएई में जो भी अल हुसैन ऐप है वो 14 दिन के लिए फाल रहेगी, फिर उसके बाद आपको इसको फिर करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपको बताते चलें कि जो लोग भी इस वक्त यूएई में आईसीए की अगर आपको कोई मेल आती है तो यूएई हुकूमत का कहना है आईसीए वाले भी जो हैं वो लोग जाली मेल बना के आईसीए की तरह का बना के और मेल करते हैं, लोग उनके फ्रॉड में अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए मेल अगर कोई करे आईसीए की तरफ से तो आपने उनके झांसे में नहीं आना। तीसरी खबर ये कि जो यूएई में दुबई में जॉब करते हैं उनकी 10% जॉब सैलरी बढ़ाई जा रही है। और दूसरी बात ये कि उसकी जो है अब छुट्टी करेंगे 2022 जनवरी से तो उनकी हॉलीडे जो है वो नहीं काटी जाएगी। अब सैलरी कट जाती थी ना पहले छुट्टी करते थे। तो ये है, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब।